गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड मोस्ट वेलकम टू अनदर पार्ट ऑफ एक्स फैक्टर। ओके, कल तक हम लोगों ने एक इम्पॉर्टेंट सी चीज सीखी थी, वो था कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। इमेजिनरी नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इसके बारे में जो भी हल्की फुल्की डिटेल मैंने आपको दी थी, आपको वो समझ आया होगा। आज थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स नंबर पे बात करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि आखिर उस कॉम्प्लेक्स नंबर के पढ़ाई का मेरे क्वाड्रेटिक से क्या लिंक है और हमको उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जब ये देख लोगे तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा आप लोग को, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरवल और वेवी कर्व मेथड। ये दो चीजें मैं कोशिश करूंगा कि और आपको आज बता दूं एक्स फैक्टर में, और कल अपनी एक्स फैक्टर की लास्ट क्लासेस होगी जिसमें हम टिपिकल क्वेश्चंस कराएंगे और वो क्वेश्चंस से आप समझ पाओगे कि ओके किस तरीके से हमें हायर लेवल के क्वेश्चंस को करना है। आ रही है बात समझ में? तो बिना देर किए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रेजेंट सर कहना मत भूलना। स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना वीडियो लेक्चर। देखो बच्चों, एक छोटी सी बात पूछ रहा हूं मैं आपसे स्टार्टिंग में और मुझे लगता है कि आप इसका आंसर दे पाओगे। मेरे को एक बात बताओ, दो बड़ा है कि तीन बड़ा है? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई आपका, दो बड़ा है कि तीन बड़ा है? तो जनरल कोई भी बोलेगा सर ये क्या पूछ रहे हो, तीन बड़ा है। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं माइनस टू बड़ा है कि माइनस थ्री बड़ा है, तो कहोगे सर ये बच्चों वाली क्वेश्चन है आप जो पूछ रहे हो, आप बोलोगे माइनस टू बड़ा है, ऑब्वियस बातें हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ दूं कि भैया जी दो आई बड़ा है कि तीन आई बड़ा है, आप क्या बोलोगे? चलो देखते हैं, आपको यहां फिलअप करना है, आप ये साइन से फिल करोगे, आप ये साइन से फिल करोगे, आप इक्वल टू साइन से फिल करोगे, आप नॉट इक्वल टू साइन से फिल करोगे, या आप इनमें से कोई नहीं लगाओगे। देखो क्या है कि बच्चे जनरली ऐसे सोचते हैं कि तीन आई बड़ा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, है ना। यहां पे नॉट इक्वल टू का साइन लग सकता है, समझना मेरी बात को। कहा जाता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में ऑर्डर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता है, ऑर्डर प्रॉपर्टी Does not hold in any complex number. किसी भी complex number में order property hold नहीं करता है। Order property के hold नहीं करने का मतलब है कि कोई भी complex number किसी दूसरे complex number से बड़ा है या छोटा आप ये नहीं बता सकते हो। Means किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से आप कंपेयर नहीं कर सकते हो कि कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा है और कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर छोटा है। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि 1 प्लस आई बड़ा है कि 2 प्लस आई बड़ा है, आप कहोगे भैया हम नहीं बता सकते हैं कि कौन सा बड़ा है। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में ऑर्डर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता है, इस बात को समझ लीजिए, ठीक है। लेकिन हाँ, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जरूर होता है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर जरूर हो सकते हैं। इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ये बात बेटा एकदम सही है, ये बात बच्चों मेरे एकदम सही है कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर किसी दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से बड़ा है या छोटा ये नहीं बताया जा सकता है। लेकिन दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब आपस में बराबर होंगे ये बताया जा सकता है। जैसे मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस आई बी, अगर ये बराबर हो जाता है दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर सी प्लस आई डी के, तो ये तभी हो सकता है जब ए की वैल्यू सी के बराबर हो जाए, ए की वैल्यू सी के बराबर हो जाए, और मेरे प्यारे बच्चों बी की वैल्यू डी के बराबर हो जाए, ए की वैल्यू सी के बराबर और बी की वैल्यू डी के बराबर। तो अगर ऐसा सिनेरियो क्रिएट होता है तो हम कहते हैं कि हमारा ये टॉपिक क्या है, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर। यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर तब होते हैं जब एक का रियल पार्ट दूसरे के रियल पार्ट के बराबर और एक का इमेजिनरी पार्ट दूसरे के इमेजिनरी पार्ट के बराबर।
समझ में आ रही है बात? यही दो छोटा कॉन्सेप्ट था जो हमको बताना था। अब जैसे मान लो तुमसे पूछा जाए समझना, फाइंड एक्स इफ एक्स प्लस 3i इज इक्वल टू 7 प्लस 3i, क्या आंसर होगा आपका? आप पट से बोलोगे सर x जो होगा वो 7 होगा, है ना? एकदम सिंपल सी बात है। तो इसके बारे से क्वेश्चन नहीं आता है, बस सिंपल सी मैंने बता दी, थोड़ी बहुत चीजें थी, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं, इसको इरेज करते हैं और आगे के टॉपिक पे बढ़ते हैं। चलो आ जाओ। अब अगर मेरा डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है, ठीक, तो भी हम उस कंडीशन में रूट्स निकाल सकते हैं। अलग बात है कि वो रूट्स रियल नंबर नहीं आएंगे बल्कि कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल देके समझा रहा हूं, आपसे बोला गया फाइंड द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। इसके रूट्स निकालने हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो के रूट्स निकालने हैं। क्या करूं, कैसे निकालोगे सर, कैसे इसको बनाया जा सकता है, आ जाइए। सर सबसे पहली बात है कि हम इसको बनाने की जब कोशिश करेंगे तो कोई भी बंदा इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करेगा तो लिखेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बराबर जीरो, बट फैक्टराइज तो होगा नहीं। फैक्टराइज हो जाएगा क्या? नहीं कर पाओगे। तो क्या लगाओगे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसको डिस्क्रिमिनेंट मेथड भी कहते हैं। तो आप लिखोगे सर यहां a के बराबर 1 है, b के बराबर भी 1 है और c के बराबर 1 है, तो मेरा डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। जब डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac हो गया तो हम इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस 4 into 1 into c। तो मेरे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई मेरे प्यारे बच्चों? माइनस 3। चलो बताओ आपका जो डिस्क्रिमिनेंट आया है ये डिस्क्रिमिनेंट जीरो से छोटा आ गया। अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो से छोटा आता है तो मेरे रूट्स इमेजिनरी होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, रियल नहीं होते हैं। लेकिन क्या होते हैं? फॉर्मूला वही है, अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बाई 2a। अगर इस क्वेश्चन में देखा जाए तो मेरे प्यारे बच्चों अल्फा के माइनस बी के जगह लिखा जाएगा माइनस 1 प्लस रूट अंडर डी के जगह क्या लिखोगे? माइनस 3 अपॉन 2a यानी कि 2। क्या हो गया बताओ? माइनस 1 प्लस रूट 3i बाई 2। आगे आंसर, तो ये जो आया ये क्या आया? अल्फा आया। और ये क्या रियल रूट है? नहीं, ये कैसा है? इमेजिनरी रूट है। तो यही रूट आता है, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है। क्लास टेंथ में आपको रियल नंबर के बारे में ही पढ़ना है, इमेजिनरी नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर पे नहीं जाना है, एंड दैट्स व्हाई ये आपके बुक्स में नहीं दिया होता है। लेकिन अब आप इससे थोड़ा बहुत रूबरू हो गए हो तो थोड़ा सा तो स्टैंडर्ड आपका बढ़ा, आप बाकी बच्चों से अलग हुए। बस यही मेरा मकसद है बच्चों, मेरे क्लासेस का, मेरे फर्स्ट स्टेप कोचिंग का या मेरे राइज एकेडमी कोचिंग का एक ही मकसद है, बस एक ही मकसद, कि जो भी बच्चे मेरे पास हैं उनका लेवल जिस क्लास में है उससे ऊपर हो। जिस क्लास में है उसकी चीजों पे तो उनकी कमांड अच्छी हो ही, साथ साथ एक्स्ट्रा चीजें भी उनको पता हो, तभी तो तुम अलग बनोगे। अब तुम उन बच्चों से अलग हो जिनको कॉम्प्लेक्स के बारे में नहीं पता है, अपने आप में एक कॉन्फिडेंस फील करोगे, एंड बस यही मेरा मकसद है। और मैं चाहूँगा कि आप लोग मेरी इस मकसद में मदद करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ तक पहुँचाने का काम करो, ठीक है। चलो अगर ये अल्फा हो गया मेरे बच्चों तो बीटा क्या होगा बताओ? बीटा क्या होगा? माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बीटा मेरे बालक? बीटा हो जाएगा सर माइनस 1 माइनस रूट 3i बाई, निकल गया रूट्स। तो इसके रूट्स क्या आ गए? इसके रूट्स आ गए तुमको इमेजिनरी, जो इस रूप में लिखा गया। तो कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला वगैरह सब वही था, बस एक नया कॉन्सेप्ट जुड़ गया कि आप आई लिख दोगे, है ना। कल मैंने आप क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं दे पाए थे, बहुत ज्यादा बिजी थे। आज भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे क्वेश्चन डाल दूंगा, कोशिश करता हूं कि डाल दूं, अगर डाल देख लेना, अगर होगा तो आप क्वेश्चन बना लेना, अदरवाइज कल लास्ट क्लास है, कल पक्का डाल देंगे, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत इसमें? समझ आया ये बातें? तो अगर इस पे बेस्ड क्वेश्चन आए जिसमें कि डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव हो और आपको निकालने को बोला जाए रूट्स, आप निकाल सकते हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए सर, तो ये यूज था इसका और इसीलिए इसको बताना मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था। अब देखो एक और मजेदार चीज तुमको दिखाते हैं, एक और अच्छा बात दिखाते हैं।
एक छोटा सा क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन को बना पाते हैं, या वो क्वेश्चन है जो होमवर्क देंगे, हम एक कॉन्सेप्ट ही बताते हैं तब जाके, क्योंकि क्वेश्चन के क्लासेस कल ही होंगे, कल ही क्वेश्चंस किया जाएगा, ठीक है। आज कॉन्सेप्ट देखो, हम लोग जिस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरवल। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? इंटरवल का कॉन्सेप्ट कहते हैं, है ना। क्या होता है कि जब हम इन इक्वालिटी को सॉल्व कर रहे होते हैं, इन इक्वालिटी समझते हो, लेस देन, ग्रेटर देन, ऐसी साइन। जैसे मान लो तुमको क्वेश्चन दे दिया गया x प्लस वन ग्रेटर देन फोर, तो आपका आंसर आ जाएगा x ग्रेटर देन थ्री। तो अब तीन से बड़े जितने नंबर हैं उन सब को तुम बैठ के तो लिखोगे नहीं, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 ऐसे तो लिखोगे नहीं। आप क्या करेंगे? इसको आगे लेके चलेंगे। तो समझो मेरी बात को कि इसको लिखने के लिए मैथ्स में एक नए तरीके को दिया गया, और वो तरीका था इंटरवल का कॉन्सेप्ट, है ना। देखो क्या होता है इंटरवल का कॉन्सेप्ट, तो इसमें चार प्रकार के इंटरवल होते हैं। सबसे पहला जो इंटरवल होता है बच्चों, उसको कहते हैं ओपन इंटरवल। क्या कहते हैं इसको? ओपन इंटरवल। क्या है? जैसे मान लो अगर कहीं लिखा हुआ है कि x दो से बड़ा है और चार से छोटा है, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि मेरा जो भी x है ना, वो दो से बड़ा होगा। हम दो नहीं लेंगे, हम एकदम दो नहीं लेंगे, दो के जस्ट बगल में। अगर इसको नंबर लाइन पे देखा जाए मेरे बच्चों, तो यहां पे आएगा दो और यहां पे आएगा चार। तो x मेरा दो से बड़ा होगा, तो दो नहीं लेना है, दो एकदम नहीं लेना है, चार भी नहीं लेना है, लेकिन दो के जस्ट बगल में जो है उसको ले लेना है, और चार के जस्ट बगल में है जो उसको ले लेना है, और उसके बीच में जो भी चीजें होंगी वो मेरा क्या हो सकता है? एक्स हो सकता है, लेकिन दो और चार नहीं होगा। तो इसको कहा जाता है ओपन इंटरवल। क्यों? क्योंकि इसमें हमने एक्सट्रीमिटीज, एंड पॉइंट को काउंट नहीं किया। अब इसको लिखने का तरीका होता है एक्स, और एक सिंबल बनाते हैं, इस सिंबल को कहा जाता है मेरे बालक बिलोंग्स टू। क्या कहते हैं? बिलोंग्स टू। तो कैसे लिखते हैं? x बिलोंग्स टू स्मॉल ब्रैकेट 2 से लेके 4 तक। अब देखो ओपन इंटरवल है इसीलिए स्मॉल ब्रैकेट लिखा गया। जहां कहीं भी आप स्मॉल ब्रैकेट देखो, इसका मतलब समझ जाना कि एंड पॉइंट को काउंट नहीं करना है, दो और चार को काउंट नहीं करना है, और दो और चार के बीच में जितनी संख्याएं हैं उन सारी संख्याओं को काउंट कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं दूसरा जो वेराइटी होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो होता है क्लोज्ड इंटरवल का कॉन्सेप्ट। किसका कॉन्सेप्ट बताओ? क्लोज्ड इंटरवल, बंद इंटरवल, ठीक है। अब समझना मेरी बात को, अगर दे दिया कि x जो है वो दो से बड़ा और चार से छोटा तो है, साथ साथ दो के बराबर भी चल जाएगा और चार के बराबर भी चल जाएगा। यानी जो मेरा x है वो दो के बराबर या उससे बड़ा, चार से छोटा या चार के बराबर है। तो ऐसे कंडीशन को हम नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे? यहां पे हम लिखेंगे दो, यहां पे लिखेंगे चार। हम दो को भी काउंट कर रहे हैं तो गोला बना देंगे दो पे, हम चार को भी काउंट कर रहे हैं तो गोला बना देंगे चार पे, और इस दोनों को मेरे प्यारे बालक ऐसे मिला देंगे। इस दोनों को क्या कर देंगे? मिला देंगे, ठीक है। जैसे ही दोनों को मिलाओगे, उनके बीच में जो आएगा वही कहलाएगा दो से ज्यादा या बराबर, चार से छोटा या बराबर। अब इसको इंटरवल में कैसे लिखेंगे? तो x belongs to, ये है क्लोज्ड इंटरवल का साइन, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट, और यहां लिख दोगे 2, 4। अब आज से कभी भी अगर ऐसा इंटरवल दिखे, इसका सीधा मतलब है कि दो को तो काउंट करना है, चार को तो काउंट करना है, उसके साथ साथ दो और चार के बीच जितनी संख्याएं हैं मेरे प्यारे बच्चों उसको भी काउंट कर लेना है। यानी दो और चार तो काउंट होगा, एंड पॉइंट तो काउंट होगा, उसके साथ साथ उसके बीच की भी संख्याओं को काउंट कर लेना है। क्या कहलाएगा? क्लोज्ड। ओपन में एंड पॉइंट को काउंट नहीं करते थे, क्लोज्ड में एंड पॉइंट को काउंट करते हैं। थर्ड नंबर, सी नंबर पे आता है मेरे प्यारे बालक, इसको कहा जाता है ओपन क्लोज्ड इंटरवल। बोलो क्या कहते हैं? ओपन क्लोज्ड इंटरवल, मतलब ओपन है फिर क्लोज्ड है ना। तो इसको ऐसा लिखते हैं, x दो से बड़ा,
और चार से छोटा या चार के बराबर, तो इसको डिनोट करने का तरीका होता है x belongs to दो से लेके चार तक। दो के तरफ ओपन बिकॉज इक्वल टू का साइन नहीं है और चार की तरफ क्लोज्ड बिकॉज इक्वल टू का साइन है, है ना। बहुत सुंदर सी बात बताई मैंने आपको। नेक्स्ट आ जाओ डी नंबर पे आते हैं। डी नंबर है ना, डी नंबर कहलाता है क्लोज्ड ओपन इंटरवल। इसमें क्या होता है कि जैसे स्टार्टिंग में क्लोज होता है बाद में ओपन होता है, इसको लिखेंगे ऐसे दो की तरफ क्लोज लेकिन चार की तरफ ओपन। समझ गए होगे बात को। तो ये इंटरवल का कॉन्सेप्ट होता है, इसको आसानी से उतारिए, फिर हम आगे के कुछ छोटे छोटे देखो बच्चों इन देखो इस पे मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊं अगर तो तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा हो जाए, ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस करने के लिए, इस पे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए, कॉन्सेप्ट को तगड़ा करने के लिए समय चाहिए होता है, ठीक है, टाइम चाहिए होता है। तो अभी क्या है कि अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, आपको एकदम अननोन ना लगे, ये लेवल वन की बातें हैं। एकदम समझो कि एक पहला फेज, जैसे दीवार को अगर हम लोग पेंट करते हैं तो पहले उस पर अस्तर लगाते हैं और अस्तर के बाद उस पर रंग लगाते हैं, तब ना ज्यादा चमक आता है। तो समझ लो कि अभी तुम पे क्या की जा रही है, एक कोटिंग की जा रही है, प्राइमरी कोटिंग की जा रही है, आपको इन सबसे थोड़ा बहुत रूबरू कराया जा रहा है, ठीक। जब फिर मेरे पास टाइम आएगा, जब एक समय आएगा जब मुझे लगेगा कि नहीं अब इस पे हमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराने चाहिए, तो फिर एक्स फैक्टर की सीरीज आएगी और उसमें हम लोग फिर क्वेश्चंस करेंगे। अभी तीन लेक्चर्स का सीरीज आया, कुछ दिन बाद फिर आएगा, ठीक। तो पहले लेक्चर में हम लोग एक्स फैक्टर में क्या कर रहे हैं बच्चों, चीजों को थोड़ा सा एक प्राइमरी लेवल पे ला रहे हैं, धीरे धीरे ला रहे हैं, हल्का हल्का, ठीक, ताकि थोड़ा दिमाग अपना बढ़ता रहे, है ना। तो अभी बस इतना कॉन्सेप्ट को, अब तुम्हारा काम है ना कि आप कॉन्सेप्ट को याद रखिए। मेरे पढ़ाने से क्या फायदा होगा अगर आप इन चीजों को भूल जाओ, इस छोटी छोटी बातों को भूल जाओ जो मैं बताना चाह रहा हूं, कोई फायदा नहीं है फिर मेरे पढ़ाने से। मेरे आधे घंटे एक घंटे जो मैं लेक्चर दे रहा हूं, जो आप अपना MB बर्बाद करके देख रहे हो, एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हो, अगर तुम उसको भूल जाते हो तो फिर इससे फायदा क्या हुआ, मेरे पढ़ाने से फायदा क्या हुआ मेरे को बताओ। तो फिर तुम दूसरे टीचर से ही नहीं पढ़ लोगे जो सिर्फ 10th लेवल तक की बातें बताते हैं, आप आराम से पढ़ सकते हैं, मेरे ही पास करने का क्या जरूरत है, ठीक है। तो बस यही कॉन्सेप्ट है मेरे बच्चों, मेरे पास बच्चे इसीलिए आते हैं कि उनको एक्स्ट्रा चीजें मिलती हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलती हैं। तो प्लीज प्लीज इट्स अ वेरी हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखना इन चीजों को, ठीक है। चलो अब इसको उतार लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए फटाख से उतारिए बच्चों। चलिए तो इंटरवल का भी कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आ गया, इसमें भी आपको कहीं कोई परेशानी नहीं है। देखो एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट जो आपके काम लायक है, मैं उसको भी इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूं आपको। इसको कहा जाता है फैक्टोरियल। इन सब का यूज आएगा, मैं जितनी चीजें बता रहा हूं ना सबका मैं कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक में, पॉलिनोमियल में यूज करूंगा जब मैं कल के लेक्चर में क्वेश्चंस कराऊंगा। तो ध्यान से समझो मेरी बात को, हम किसकी बात करने जा रहे हैं बच्चों, फैक्टोरियल क्या होता है समझना, ये सब एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है। फैक्टोरियल क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझो कि फैक्टोरियल का मतलब है सिंबल, सिंपल एकदम अपने शब्दों में विस्मयादि बोधक चिन्ह, अरे एक्सक्लेमेटरी साइन। अगर कहीं पे भी ऐसा लिखा है इसका पढ़, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, फैक्टोरियल का साइन पढ़ेंगे। या हमारे पास एक और साइन होता है ऐसे, ये भी फैक्टोरियल का साइन है, दोनों फैक्टोरियल का साइन है। मतलब अगर मान लो मेरे को लिखा हुआ है 2 विस्मयादि बोधक साइन, हम इसको क्या पढ़ेंगे, 2 फैक्टोरियल। क्या पढ़ने वाले हैं बताओ बच्चों, 2 फैक्टोरियल। अगर 3 विस्मयादि बोधक का साइन लगाए क्या पढ़ेंगे, 3 फैक्टोरियल। अगर 4 और ये एक्सक्लेमेटरी साइन लगाए क्या पढ़ेंगे, 4 फैक्टोरियल, ठीक है। अच्छा ऐसा लगा हुआ है ऐसा डक से 5, इसको भी क्या पढ़ेंगे हम लोग, 5 फैक्टोरियल, है ना, समझ रहे हो बात को, ठीक है सर। यानी पहचानने का तरीका है एक्सक्लेमेटरी साइन, नंबर के पीछे एक्सक्लेमेटरी साइन लग गया, समझ जाओ बात हम किसकी कर रहे हैं, फैक्टोरियल। यहां तुमको एक बड़ी अच्छी बात पता चलेगी, यहां आपको पता चलेगा मेरे प्यारे सुंदर बालक, मेरे क्लीन चीट बालक, कि सर जी ये फैक्टोरियल में किस चीज का काम है, ऐसा चीज का तुमको आज मैं यूज बताऊंगा ना बेटा कि मजा आ जाएगा। आज तक उल्टी गिनती का यूज किए हो, 100, 99, 98, 97, नहीं, इसी दिन के लिए बचा के रखा गया था, समझना। अगर कहीं पे लिखा है 3 फैक्टोरियल,
इसका मतलब होता है 3 × 2 × 1। आई बात समझ में? अगर कहीं लिखा हुआ है 4 factorial, इसका मतलब होता है 4 × 3 × 2 × 1। अगर कहीं लिखा हुआ है 5 factorial, इसका मतलब होता है 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अगर कहीं लिखा हुआ है 6 factorial, इसका मतलब होता है 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। समझ रहे हो मेरी बातों को? अगर कहीं लिखा हुआ है 2 factorial, मतलब बताओ 2 × 1 1 factorial, 1 0 factorial, याद रखो 1 होता है। 0 factorial क्या होता है? 1। याद रखना क्यों होता है, कैसे होता है, हम सब एक्सप्लेन करेंगे जब अपनी अगली सीरीज आएगी। अभी बहुत, अभी तो पहला स्टार्ट किया है मैंने, तो ध्यान से देखो खाली जो बता रहे हैं, तो बढ़िया समझो। बताओ फैक्टोरियल को कैसे डिफाइन किया गया है? असल में हमारा n फैक्टोरियल को डिफाइन किया गया है n इंटू उससे 1 कम, फिर उससे 2 कम, फिर उससे 3 कम, ऐसे करते करते लास्ट में 3, 2 और 1 आ जाता है। इस चीज को हम लोग कहते हैं फैक्टोरियल। समझ रहे हो बात को? तो अगर आपसे कोई पूछे भैया 4 का फैक्टोरियल बताओ कितना होगा, 4 factorial कितना होगा? 4 × 3 = 12 = 24। अगर कोई पूछे 3 का फैक्टोरियल बताओ कितना होगा, 3 × 2 = 6। अगर कोई पूछे 5 का फैक्टोरियल कितना होगा, 5 × 20 = 60 × 120। अगर कोई पूछे 6 का फैक्टोरियल कितना होगा, 6 × 5 = 30, सीधे 120 में करो, 12 × 6 = 72, 720। समझ गए बात को? तो इस तरीके से चीजों को ध्यान रखना है। एक और इंपॉर्टेंट बात, नेगेटिव संख्या का फैक्टोरियल नहीं होता है। नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल हम लोग डिफाइन नहीं करते, मतलब होता है, आपके लेवल पे नहीं होता है, आगे हायर ग्रेजुएशन लेवल पे जाओगे तब आपको मिलेगा, लेकिन अभी के लिए मान लो नेगेटिव का हम लोग फैक्टोरियल डिफाइंड नहीं करते। आ रही है बात समझ में? तो आपने एक और कॉन्सेप्ट सीख लिया फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट। कितने कॉन्सेप्ट सीखे दिमाग में याद करो, याद करो, इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरवल और उसके बाद फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट। ठीक है, थोड़ी थोड़ी कॉन्सेप्ट हम लोग बहुत आगे निकल जाएंगे, आगे आते हैं, नेक्स्ट आते हैं बच्चों, उतार लो इसको। जितने ज़्यादा बच्चों को जोड़ोगे उतने अच्छे बच्चों को फायदा होगा, और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसकी फायदा मिले, है ना, इतना मेहनत किया जा रहा इसी चीज़ के लिए। एक और मैं तुम लोग को चीज़ बताने वाला हूँ, इसका मतलब बहुत जगह तुमको ये देखने को मिलता है अच्छे अच्छे किताबों में, इसको पढ़ा जाता है बच्चा सिग्मा। क्या पढ़ते हैं इसको? सिग्मा, है ना। असल में ये क्या होता है, इसको हम लोग कंटिन्यूड एडिशन, न्यूड एडिशन या समेशन में इसको यूज करते हैं, समझना। जैसे समझो मेरी बात को, क्या हुआ, अगर मेरे को दिया हुआ है 1+2+3+4+5+6+7+8, ठीक, इतना बड़ा दिया हुआ है, तो हम इतना बड़ा ना लिख के, ये समेशन है, तो हम एक साइन बनाते हैं, ये साइन किस चीज का होता है? सिग्मा का। और ये बताओ ये नंबर है ना 1, 2, 3, ऐसे नंबर, तो यहां लिख देते हैं के। क्या लिख देते हैं? के, यानी समेशन करना है के का। किसका करना है? के का, जहां पे के 1 से शुरू होगा और कहां तक जाएगा? 8 तक जाएगा। तो इतनी बड़ी चीज को मैथ्स में शॉर्ट में लिख दिया जाता है सिग्मा ऑफ के, जहां पे ये स्टार्ट होता है के 1 से और कहां तक जाएगा? 8 से। यानी मान लो अगर मेरे प्यारे बच्चों कहीं लिखा हुआ है सिग्मा ऑफ के, जहां के स्टार्ट होता है 2 से और जाता है 6 तक, तो आप इसको कैसे लिखोगे? आप इसको लिखोगे 2+3+4+5+6। समझ रहे हो? समझ रहे हो? ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ये एंड पॉइंट होता है, और ये बताता है कि किसका हम सम कर रहे हैं, 1, 2, 3, 4, ऐसा ऐसा, है ना। चलो अगर मान लो लिखा हुआ है ऐसा सिग्मा के स्क्वायर, स्टार्ट होता है 1 से और जाता है 4 तक, तो बताओ जब 1 लोगे के को, तो के स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, लेकिन 2 लोगे तो 4, 3 लोगे तो 9, 4 लोगे तो 16, यानी इसको ऐसे लिखा जा सकता है। ये बात समझ में? तो ये जो साइन देख रहे हो ना सिग्मा, इस सिग्मा का मतलब होता है लगातार एडिशन या लगातार समेशन, ठीक है। तो ऐसे चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। तो कहीं भी ये साइन देखो सिग्मा तो डर मत जाना, अरे ये मैथ्स की चीजें हैं, इसका अपना मतलब है, मतलब समझोगे तो समझ में आएगा। अब बताओ अगर मैं तुमसे पूछूं कि मेरे प्यारे बालक क्या आप सिग्मा के का वैल्यू के बराबर 1 से 3 तक निकाल सकते हैं, किसी 10th के बच्चे को तो कहेगा कहां लिखा है, डिजाइन बना, टैटू बनवा ले का, इसका बड़ी अच्छा लग रहा है। नहीं, आप क्या करोगे? कहोगे देखो भाई
ये है 1 + 2 + 3 यानी 3 × 2 = 5 और 1 = 6 इसका आंसर क्या होगा 6 क्यों क्योंकि आपको पता है लेकिन किसी दूसरे बच्चे को तो वो कंफ्यूज रहेगा कि आखिर ये है क्या ये मतलब है क्या तो यही अंतर है समझ गया ना इसका सिग्मा का मतलब चलो इसको उतारो क्या कहते हैं इसको कंटिन्यूड ऐड या इन सब का क्वेश्चन मैं कल कराऊंगा जितने कॉन्सेप्ट आज बता रहा हूं हर कॉन्सेप्ट पे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा मैं चिंता मत करो बहुत बेहतरीन बेहतरीन है ना लेकिन पहले इसको उतारो है ना पहले समझो चलिए देखिए भैया अपना एक और कॉन्सेप्ट अब देखो क्या होता है एक और चीज होती है इसको हम कहते हैं पाई सबने पढ़ा है पाई नाइन्थ में पढ़े हो ना इसको क्या पढ़ते हैं ये है हमारा एक साइन जिसको हम लोग कहते हैं पाई है ना अब इसका मतलब होता है कंटिन्यूड कंटिन्यूड प्रोडक्ट मतलब सर जी ये कंटिन्यूड प्रोडक्ट क्या है जैसे मान लो तुमको दे देगा कि भैया 1 × 2 × 3 × 4 ये बताओ इसको कैसे लिखोगे तो बट से वो बच्चा बोलेगा सर 4 × 4 = 4 सर 4 × 4 लिखेंगे ठीक है वेरी गुड लेकिन अगर मान लो मिल गया 1 × 2 × 2 × 3 × 4 अब क्या लिखोगे अब तो फंस गए ना तो इसको लिखने का तरीका है मैथ्स में कि आप इसको लिख दो पाई किस चीज का स्क्वायर हो रहा है k का तो पाई k स्क्वायर जहां k कहां से स्टार्ट हो रहा है 1 से और कहां तक जा रहा है 4 तक जा रहा है बस हो गया अच्छा सिग्मा लग जाएगा तो जोड़ेंगे और पाई लग जाएगा तो वो चीज क्या हो रही है मल्टीप्लाइड हो रही है लगातार मल्टीप्लाइड हो रही है कंटिन्यूड प्रोडक्ट हमें मिल रहा है तो पाई का मतलब मल्टीप्लिकेशन यानी प्रोडक्ट प से पाई प से प्रोडक्ट और सौ से सिग्मा सौ से समेशन समेशन भी सौ से होता है सिग्मा भी सौ से होता है ठीक है तो इससे याद रखना है सिग्मा तो समेशन पाई तो प्रोडक्ट लेकिन कंटिन्यूड यानी लगातार है ना चलो मेरे प्यारे बच्चों इसको उतार लो इस पे क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे डू इट फास्ट चलिए सरकार यहां तक की बात आई सर एक बात बताएं सर एक ठो क्वेश्चन करके बताइए ना कि इन सब का कैसे मतलब ये सब ब्रह्मास्त्र कैसे है मतलब ये जो ब्रह्मास्त्र आप दे रहे हैं इसको चलाना कहां है ये बताइए चलो एक छोटे से क्वेश्चन से समझाते हैं बहुत छोटा क्वेश्चन है मान लो लिखा हुआ है p² − q² + q² − r² + r² − p² = 0 अब तुमसे पूछ रहा है कि मेरे प्यारे बालक इसका रूट्स क्या क्या होगा आपको रूट्स निकालना है क्या निकालना है फाइंड रूट्स इसके रूट्स निकालने चलो निकालो 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 कोशिश करो इसका निकालने का रूट्स 3 मिनट लगाओ 5 मिनट लगाओ निकाल के मेरे को कमेंट करो मैं देखना चाहता हूं किन बच्चों ने इसके रूट्स निकाले और बनाए मैं ये देखना चाहता हूं चलो कोशिश करो बंधु बहुत अच्छी बात है कितने बच्चों ने निकाल लिया पता नहीं सर लेकिन हम देखो तुमको एक चीज बताते हैं ट्रिक बताते हैं आपके पास एक क्वाड्रेटिक दिया रहे अगर ax² + bx + c = 0 ये ट्रिक है ये ब्रह्मास्त्र है और आपको a को b को और c को जोड़ने से 0 मिल जाए a + b + c 0 मिल जाए ठीक है तो ऐसे कंडीशन में अगर आपको ऐसा मिले तो ऐसे कंडीशन में इसका एक रूट अल्फा होता है 1 कैसे देखो अगर a + b + c 0 है तो x के जगह पे 1 रखेंगे तो a + b + c 0 मिलेगा यानी x = 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका एक रूट हो जाएगा α = 1 और अगर एक रूट α = 1 है तो β = c/a हो जाएगा β = c/ क्यों क्योंकि α β c/a होता है समझ लो मेरी बात को तो अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर a + b + c 0 है तो उसका एक रूट 1 होता है और दूसरा रूट c/a होता है समझ रहे हो बात को अब इसमें देखो ये है तुम्हारा a ये है तुम्हारा b और ये है तुम्हारा c अगर a को b को c से जोड़ोगे तो q² कटेगा p² कटेगा r² कटेगा क्या आएगा 0 इसका मतलब इसका एक रूट होगा 1 और दूसरा रूट c/a यानी r² p² / a p² - q² आया मजा ये है कहानी ये है ताकत पट से देखे तुरंत बनाए अब मान लो तुमको खतरनाक क्वेश्चन इस पे सेट करके दे दिया
ऐसा क्वेश्चन दे दिया 2000 पे पावर 2019 माइनस 2000 पे पावर 1920 एक्स स्क्वायर, ऐसे कर करके सेट करके दे दिया, तब तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा ना क्वेश्चन देख के। लेकिन अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है आप क्वेश्चन बना सकते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन को एक्स फैक्टर में तवज्जो मिलता है, ऐसे ही क्वेश्चन को एक्स फैक्टर में पढ़ाया जाता है। ठीक, तो मैंने आपको कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बताए दो क्लासेस के अंदर। पहला मैंने इमेजिनरी नंबर बताया, फिर मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर बताया, फिर मैंने इंटरवल का कॉन्सेप्ट बताया। इंटरवल के कॉन्सेप्ट के बाद मैंने आपको सिग्मा का कॉन्सेप्ट बताया, फैक्टोरियल कॉन्सेप्ट बताया, पाई का कॉन्सेप्ट बताया। अब एक और चीज मैं चाहता हूं कि मैं आपको बता दूं, बट उसके लिए टाइम लगेगा, क्लासेस लगेंगे और थोड़ा सा और ज्यादा समय लगेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि जल्दी से करके हम लोग वर्ड प्रॉब्लम करके फिजिक्स पे आए। तो जो नेक्स्ट एक्स फैक्टर की सीरीज स्टार्ट होगी, जो अगला एक्स फैक्टर का सीरीज बच्चों स्टार्ट होगा, उस अगले एक्स फैक्टर के सीरीज में हम लोग इस चीज को क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे, जो मैं बताना चाहता हूं, वेवी कर्व मेथड। ठीक है, लेकिन अभी के लिए इतना काफी है। कल मैं कुछ क्वेश्चंस आपको कराने वाला हूं जो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, जो एक्स फैक्टर के लेवल के क्वेश्चंस हैं और आप बना सकते हो। तो कल का क्लास आज के क्लास से भी ज्यादा महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जितने लोगों को जोड़ सकते हो बच्चों, जितने लोगों तक आप बात, देखो आप चाहोगे तो आप बात पहुंचा सकते हो, हर तक ये बोल सकते हो कि क्लासेस अगर तुमको अच्छा लगता है, अगर तुम सेटिस्फाइड हो, अगर तुमको लगता है मेरे प्यारे बच्चों कि आपको मजा आ रहा है, आप कुछ अच्छी चीजें सीख रहे हैं, तो प्लीज जितने लोगों तक बोल सकते हो उतने लोगों तक बातों को फैलाओ। क्योंकि बहुत लोग नहीं जानते हैं कि मैं रवि सर क्लास 10th भी पढ़ाता हूं, बहुत कम लोग जानते हैं। जो जानते हैं सिर्फ वही देख रहे हैं वीडियो, बहुत ऐसे लोग हैं जो इस बात को से अनजान है। तो प्लीज़ ऐसा करिए, शेयर करिए, एक हम्बल रिक्वेस्ट है। घर पे रहो, खुश रहो और कल के क्लास का इंतजार करो। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।